हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल कुक विद सोना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी चॉकलेट। आप लोग बच्चों को बाहर से चॉकलेट्स खिलाते हैं, लेकिन उसके बजाय आप घर पे सिर्फ दो चीज़ों से बनाएं हेल्दी चॉकलेट, वो भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बाहर से कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चॉकलेट ओनली दो चीज़ों से बनेगी, जो कि है मखाना और गुड़ से। मखाना भी बच्चों के लिए अच्छा होता है और गुड़ खाना भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने थोड़े से मखाना ले लिए हैं, लो फ्लेम पर ही हमें इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। थोड़े से मतलब क्रंची टाइप हो जाने चाहिए, हाथ से टूट जाते हैं। ये थोड़े से सीले सीले होते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहे लगातार ही। अब थोड़ा सा गुड़ को हम ऐसे मैश कर देंगे ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे दो ढली गुड़ लिया है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक और एक और मैंने लिया है। तो इसको हम पहले कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल देंगे। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें हम गुड़ डाल देंगे। नॉर्मल होते ही गुड़ को डाल दिया है। अब गुड़ सारे गुड़ को डालने के बाद हमें इसे लगातार चम्मच से हिलाते रहना है ताकि मेल्ट हो जाए इस तरह से। इस तरह से आप गुड़ को तोड़ते भी रहें चम्मच से, ये मेल्ट होता रहेगा। मेल्ट होने के बाद जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तो हमें इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे इसका कलर पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये चाशनी तैयार है। आप लगातार इसे चलाते रहे ताकि ये नीचे चिपके नहीं, नीचे से चिपकनी नहीं चाहिए, नहीं तो जले की स्मेल आ जाती है। तो इसे लगातार चलाते रहे, अपने आप ही कलर चेंज होता रहेगा। जैसे थोड़ा डार्क कलर हो जाए तो हम इसे गैस को बंद कर देंगे। चाशनी का कैसे पता चलेगा तैयार हुई या नहीं है, तो हमें एक कटोरी में पानी डालना है थोड़ा, और उसमें इस चाशनी को डाल के देखना है। ये डालते ही वापस देखना, आपको यूँ ऊपर आ जाती है और कड़क है या सॉफ्ट है। कड़क है इसका मतलब चाशनी तैयार है, और टूट रही है मतलब तैयार है। अगर वो नहीं टूट रही है, सॉफ्ट है, तो चाशनी अभी भी थोड़ी कसर बाकी है। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से मखाने सारे डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे सब, ताकि पूरी चाशनी जो है मखाने पर लट पलट हो जाए, चिपक जाए। इस तरह से बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स बनेगी, ताकि मखाना भी यूज आ जाता है और बच्चे भी खा लेते हैं चॉकलेट समझकर। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये जो चॉकलेट्स है इस पर चिपके नहीं। ये केक करके हम एक बार ऐसे थोड़ा दूर दूर लगा देंगे ताकि चिपके नहीं। अगर गर्म ज़्यादा लग रहा है आपको, तो पानी में हाथ डाल के इसको ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है चाशनी की वजह से। तो इसको आप थोड़ा पानी लेके इसको एक एक को ऐसे अलग कर दें। दस से 15 मिनट में ये अच्छे से सूख गई है, वापस में चिपक भी नहीं रही है, और इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। बहुत ही यमी टेस्टी चॉकलेट्स बन गई है। मेरी बुबी को भी बहुत पसंद। बुबी कैसा लगा आपको? टेस्टी है। तो हमारी यमी चॉकलेट्स बन गई हैं। आपको कैसी लगी चॉकलेट्स? बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही कम समय में बन गई। तो आप भी ज़रूर बनाएं घर पे बच्चों के पसंद की, और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कैसी बनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।